देखिए आपके लिए भी बहुत कविता करते होंगे, दे हिट ऑन यू अ लॉट। मुझे बताइए सबसे वर्स्ट पिकअप लाइन क्या यूज की है किसी ने आपके लिए? वर्स्ट पिकअप लाइन? हाँ वर्स्ट एक्चुअली इनको किसी ने नहीं कहा है, इन्होंने किसी को कहा। क्या? आई वॉन्ट टू नो ये क्या है? ये क्या है? रेमो सर आपको बता देंगे। प्लीज रेमो सर बताइए। ये जो बैठे हैं मेरे राइट में, अरुण धवन, हाँ जी, ये इनके चाइल्डहुड क्रश है। ओहो, तो हम दोनों छोटे थे, हम छोटे थे ऑब्वियसली, मैं और वरुण एक दूसरे को जानते हैं जब से हम छोटे। हमारे डैड्स ने काफी फिल्में की है साथ में, तो मैं इनको बहुत मतलब बहुत पसंद करती थी। और इनका मतलब वो बॉयज गो थ्रू दैट फेज ना कि नहीं हमें लड़कियां पसंद नहीं है, वी हेट गर्ल्स, तो उनका वो फेज चल रहा था। लेकिन मुझे इनपे जबरदस्त क्रश था। हम शूट पे थे, कहीं कोई हिल स्टेशन पे गए थे, काफी रोमांटिक भी माहौल था, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो सबसे हाई था। तो मैंने ठान लिया था कि मैं अभी वरुण को बताने वाली हूँ कि आई लव हिम। तो मैंने डिसाइड किया कि इनको एक माउंटेन टॉप पे लेके जाऊंगी, पर थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लूंगी। ये बचपन की बात है, बचपन की। हम आठ साल की थी और वरुण छह। मैं भी आठ ही का था। तो माउंटेन के ऊपर लिखी गई और मैंने बोला कि थोड़ा कहानी में ट्विस्ट ला देती हूँ, मैं उनको आई लव यू एक अलग तरीके से बोल देती हूँ। तो मैंने कहा कि वरुण मैं आपसे कुछ कहूँगी और यू हैव टू मेक इट स्ट्रेट, मैं रिवर्स कहूँगी। तो मैंने कहा ओके रेडी, यू लव आई, और एग्जैक्टली वैसे ही उनका चेहरा हो गया। मेरे साथ कोई गेम खेल रही है, कुछ होगा या कोई लोग आएंगे माउंटेन में? और इनका रिप्लाई था नो। तो फिर इन्होंने मेरा बेसिकली दिल तोड़ा। तो मेरा एज रेमोस सेड बैड पिकअप, मतलब श्रद्धा कपूर 8 साल की उम्र में वरुण धवन को पहाड़ पे लेके गई बोलने के लिए यू लव आए। यस, और उसके बाद आप नो बोल के चले गए सीधा। नो बोल के मुझे अकेला छोड़ के चले गए। ऐसे बचपन में गलतियां हो जाती हैं बच्चों से कई बार। पर वरुण, do you regret it? नहीं, क्योंकि जब फिर हम लोग 12 साल के थे, फिर हम लोग वापस मिले और फिर कुछ और फिर तुम्हें क्रश हो गया है? मुझे हो गया था। हम लोग डांडिया खेल रहे थे और ऐसे खेलते खेलते सडनली वो बहुत फिल्मी तरीके से ऐसे ऐसे पीछे से श्रद्धा आई। अहिला श्रद्धा कपूर।